लखनऊ उत्तर प्रदेश के 21 आईएएस अधिकारियों को दिल्ली बुलाया गया है। सभी अधिकारियों को दिल्ली चुनाव में ऑब्जर्वर बनाया गया है। सभी आईएएस अधिकारियों की दिल्ली विधानसभा चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है और इसी ड्यूटी को तलब करने के लिए उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। 14 जनवरी को सभी आईएएस अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए दिल्ली बुलाया गया है। तो आईएएस डॉक्टर अखिलेश कुमार, तो क्या कुछ कौन कौन से अधिकारी दिल्ली बुलाए गए हैं इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। तो फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि 21 आईएएस अधिकारियों को यूपी से दिल्ली बुलाया गया है। तो दिल्ली चुनाव में इन सभी को ऑब्जर्वर बनाया गया है और ऐसे में ट्रेनिंग के तहत इन आईएएस को तलब किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के 21 आईएएस अधिकारियों को दिल्ली बुलाया गया है। सभी अधिकारियों को दिल्ली चुनाव में ऑब्जर्वर बनाया गया है। सभी आईएएस अधिकारियों की दिल्ली विधानसभा चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है, जिसके तहत 14 जनवरी को सभी आईएएस अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और इसी के तहत ये आदेश जारी किए गए हैं कि यूपी के जो 21 आईएएस अधिकारी हैं जिनका इन लिस्ट में नाम शामिल है उनको दिल्ली भेजा जाए। तो 14 जनवरी को सभी आईएएस अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए दिल्ली बुलाया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी फोन लाइन पर जुड़ गए। आदित्य, उत्तर प्रदेश के 21 अधिकारियों को दिल्ली तलब किया गया है। हाँ, इनको दिल्ली बुलाया गया है और इसमें 21 आईएएस अधिकारी हैं। अखंड प्रताप सिंह सहित सहित 21 सीनियर आईएएस अधिकारी हैं जो कि वहाँ पे ऑब्जर्वर के रूप में पूरी तरह से काम करेंगे। आपको बता दें, ये 21 अधिकारियों में अधिकतर आधे से अधिक अधिकारी ऐसे हैं जो पहले भी इस तरह की ड्यूटी पूरी कर चुके हैं। केरल के चुनाव में भी ऑब्जर्वर के रूप में उन्होंने काम किया हुआ है। तो उन अनुभवी अधिकारियों को, आईएएस अधिकारियों को दिल्ली तलब किया गया है, उनको बुलाया गया है। 14 तारीख को उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। उसके बाद विधिवत ये लोग सभी जो चुनाव होने हैं दिल्ली के, वो पूरे चुनाव को संपन्न के लिए ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। जो 21 आईएएस अधिकारियों को दिल्ली बुलाया गया, इस लिस्ट में किन किन अधिकारियों के नाम शामिल, इसकी कोई जानकारी आपके पास आदित्य? जी, इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि अखंड प्रताप सिंह सहित डॉक्टर अखिलेश मिश्र सहित ये इस तरह से कुल मिलाकर के 21 अधिकारी हैं जिनको वहाँ बुलाया गया है। पूरी लिस्ट इनकी आई हुई है। अब दिल्ली का तो बुलावा यहाँ पर आ गया है, कब ये रवाना होंगे आदित्य? ये यहाँ से इनको कल ही रात में नोटिस दी गई है, सभी लोगों को बुलाया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। तो ये हर हाल में 1-2 दिन में दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। 14 तारीख से पहले इनको दिल्ली पहुंचना है। ट्रेनिंग इनकी 14 को शुरू होगी, उम्मीद जताते हैं 1 दिन पहले ये दिल्ली पहुंच जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जुड़ने के लिए, जानकारी देने